लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिली और इससे बीच उत्तराखंड में भी दशहरे की एक अलग ही झलक देखने को मिल रही है। बुराई पर अच्छाई का जीत का ये पर्व है, जिस पर ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है संबोधन भी उनके द्वारा किया जा रहा है और देश भर में दशहरे की धूम दिखाई देने लगी। और इसी बीच जो है उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से वहां पर उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। रावण दहन का अब इंतजार जो है लोगों से नहीं हो पा रहा है, कुछ ही देर में या कुछ क्षण में जो है रावण दहन किया जाना, उससे पहले प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संबोधन भी उनका दिया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक जो है दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है और देश भर में उत्साह उमंग काफ़ी दिखाई दे रही है। और इसी बीच उत्तराखंड की झलक जो है हम आपको दिखा रहे हैं, 76वां दशहरा महोत्सव कार्यक्रम जो है देहरादून में आयोजित किया गया है और इस देहरादून के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गज और आम जनता जो है इस कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत की गई और वहाँ पर जनता का उत्साह भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है और लोगों को जो है रावण का पुतला काफ़ी पसंद आ रहा, काफ़ी अट्रैक्टिव जो ये पुतला है उसे देखकर लोग काफ़ी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे समेत बड़े बुजुर्ग भी इस रावण दहन को देखने के लिए देहरादून में पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जनता वहाँ पर पहुँची है। विजयदशमी पर्व पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट बंद होने की तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है। तो वही आपको बता दें कि इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट आगामी 15 नवंबर को भैयादूज वाले पर्व पर ब्रजक लगन में सुबह 8:30 बजे जो है शीतकाल के बाद बंद कर दिए जाएंगे। वहाँ पर कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम के लिए रवाना होगी। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मद महेश्वर के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई और इस बार मद महेश्वर धाम के कपाट आगामी 22 नवंबर को सुबह 8:30 बजे वहां पर बंद होंगे। तो आपको बता दें अगली खबर जो है वो आपको बता रहे हैं, देश भर में आज विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि जो है घोषित कर दी गई। मां यमुना के कपाट 15 नवंबर को जो है भैयादूज के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद 11 बजे सुबह 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे और इसी दिन माँ यमुना की उत्सव डोली भगवान सोमेश्वर की अगुवाई में वहाँ पर शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में प्रस्थान करेगी और इसके बाद 6 महीने के लिए माँ यमुना के दर्शन खरसाली में किए जाएंगे। आज विजयादशमी का पावन पर्व, माँ यमुना जी का शीतकालीन प्रवास, आप सभी देशवासियों क्षेत्रवासियों विश्व कल्याण हेतु माँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं और साथ ही आज के दिन माँ यमुना जी के जो यमुनोत्री धाम में कपाट बढ़ाने का शुभ मुहूर्त है वो तय किया गया और इसमें ये तो निश्चित है कि भैयादूज के पावन पर्व पर माँ यमुना जी के कपाट बंद होते हैं और इस वर्ष भैयादूज का जो पावन पर्व है वह 15 नवंबर 29 गते कार्तिक बुधवार को अपराह्न 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त मकर लग्न की पावन बेला पर श्री यमुनोत्री धाम में माँ यमुना जी के कपाट 6 माह हेतु बढ़ा दिए जाएंगे और इसके बाद माँ यमुना जी का पूजन दर्शन माँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में आप सबको सुलभ हो पाएंगे। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान
वहां पर आपको बता दें तुंगनाथ के कपाट जो है बंद होने की तिथि, विजयदशमी पर्व पर शीतकालीन गद्य स्थल पर मक्कू मठ में घोषित होगी। वहां पर भगवान तुंगनाथ के कपाट जो है शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने के बाद भगवान तंगुनाथ के लिए वहां पर विग्रह उत्सव डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए चोपटा पहुंचेगी और 2 नवंबर को चोपटा से रवाना होकर बनियाकुंड, दुगलबिट्टा, मक्कू बैंड और बनातोली यात्रा पड़ावों पर आशीर्वाद लेते हुए अंतिम यात्रा जो है प्रवास के लिए भनकुंड पहुंचेगी और इसके बाद 3 नवंबर को शीतकालीन गद्य स्थल पर मक्कू मठ में विराजमान होगी। उत्तराखंड के उच्च हिमाचली क्षेत्र में बीते 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है। दोपहर बाद हल्का हिमपात हो रहा है। हिमपात के चलते केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ रही है। वहीं मुनस्याही समेत अन्य ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम की चोटियों समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं आसमान के निचले इलाकों में बर्फबारी बारिश के बाद पर्वतीय क्षेत्र में इलाकों के वहां पर कड़ाके की ठंड महसूस की गई है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने शस्त्र पूजा की और दशहरे के दिन आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नगा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजा का विधान है और पिछले 2500 सालों में दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी परंपराओं का विधान कराते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन कराते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों को देवता के रूप में पूजा जाता है। काल से परंपरा रही है, शास्त्रों की जो इसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार शस्त्र भी उसका एक अंग है और भगवती शक्ति ने शस्त्रों को धारण करके ही दुष्टों का संहार किया था। आश्विन के नवरात्र के समापन के बाद में विजयदशमी का पर्व, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध हुआ था, उसका प्रतीकात्मक रूप से रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जैसे ध्यान करते हैं, इसी प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी कामनाओं के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी इष्ट देवता सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश और भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। भगवान श्री कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पंच परमेश्वर के सभी श्री महंत कारोबारी गण संतों ने मिलकर के आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में शस्त्रों की पूजा की है। साल में एक बार होता है और ये प्राचीन परंपरा अखाड़ों की, शंकराचार्य भगवान ने जब अखाड़ों की स्थापना की थी तो जो विधर्मियों शास्त्र के द्वारा नहीं मानते थे उसमें शस्त्र का प्रयोग हुआ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक हम सीधे देहरादून की ओर कर रहे हैं जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर
रावण दहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं देहरादून से। देश भर में जो है बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व मनाया जा रहा है, और इसी बीच उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के देहरादून में, ये हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ये रावण दहन किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व जो है मनाया जा रहा है देहरादून से, ये सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रावण दहन की ये तस्वीरें जो देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं सीधे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम बड़े दिग्गज जो चेहरे जो है वहाँ पर नजर आए। और अब ये तस्वीरें जो है देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रावण दहन किया जा रहा है। ये देहरादून से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रावण दहन किया गया। लोगों को जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व जो है काफ़ी वहाँ पर धूम देखने को मिली, और ये देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। और इसी बीच देहरादून में भी एक अलग झलक देखने को मिल रही थी, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रावण दहन की है, जहाँ पर ये सीधे रावण दहन की तस्वीरें हम देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां काले गेहूं की खेती की शुरुआत की गई। सामान्य गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक जो है अधिक की कीमत वाले ये काले गेहूं के जरिए किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक द्वारा ये ब्लॉक के गेवरा बरसाली गांव में जाकर नई मुहिम से जुड़ने के लिए किसानों को उनके द्वारा प्रेरित किया गया। काले गेहूं के बीज वितरित किए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने किसानों को जैविक एवं पारंपरिक अन्न की खेती की गुणवत्ता और गुणकारी पहलुओं की जानकारी दी। आज गेवला गांव में काले गेहूं के प्रदर्शन हेतु यहां गेहूं के बीज का वितरण किया गया है, साथ ही साथ किसानों से कृषि कार्यों को लेकर एक बृहद चर्चा भी हुई है कि किस प्रकार से आगे कृषि के कार्यों को किया जाए और सरकार के द्वारा क्या कुछ इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बारे में भी कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। ग्राम सभा गेवला में माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, और इस गोष्ठी का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो विशेषकर गेवला गांव है, यहाँ पे एक हम फसल की प्रणाली में बदलाव का एक हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। और पिछली बार अभी हमने जो खरीफ ऋतु थी वहाँ पर हमने यहाँ पर लाल धान, रोजमेरी और उसके साथ साथ जो है कागजी नींबू यहाँ पर हमने किसानों को वितरित किए थे, और लाल धान का यहाँ पे जो परिणाम था वो काफ़ी उत्साहजनक था, और महिलाओं के द्वारा इस प्रयास को काफ़ी सराहा गया, और उनके द्वारा आने वाले समय में लाल धान को अपनी फसल प्रणाली का जो है हिस्सा बनाने की भी बात की गई। हमारे विधित अद्भुत लोक कलाएं हैं, जहां पर लोक कलाएं आज भी अपने मूल स्वरूप उन्हें जिंदा कर रही है। ऐसा ही एक लोक कला जहाँ जागरा ना, आपको बता दें कि जात्रा गान है, और ऐसी लोक कला बंगाली समाज के अंचलों में दुर्गा पूजा समेत विभिन्न पूजा सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार देखा जा सकता है। बंगला संस्कृति और लोक कला का जिक्र करते हुए जात्रा गाना का मंच और उससे अलग अलग वेशभूषाओं में विभिन्न पात्रों को जीवंत करते कलाकार याद करते हैं। वही जागरा गान का बंगाली संस्कृति का दर्पण भी कहा जाता है, और इस दौरान जात्रा गान के कलाकार विजय पछाड़ा कहते हैं, जो बंगाली समाज का संस्कृति को एक अंग दिया गया है जिसमें सामाजिक ऐतिहासिक कहानियों का मंचन भी किया जाता है। टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, नेटवर्क में सब देखते रहे, इससे कुछ युवाओं का रुझान कम हो गया, और फिर से दोबारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मंच को फिर से मंचस्थ कर रहे हैं, जो कि आगे जैसा भीड़ है, इसलिए ये जो हमारा क्षमता रहा ये बांग्लादेश से ही लाया हुआ, ये हमारे बाप दादाओं ने किया था, उसी को ये जो गीति नाट्य है इसको हम शुरू कर रहे हैं कि आगे से हमें हम आशा करते हैं आज तो यह दिनेशपुर में मंचस्थ हो रहा है, इसी को देखने के बाद ही दर्शकों का पता लग जाएगा कि और आगे दर्शक और बढ़ेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। देखिए यात्रा गान यहाँ से कम से कम नहीं तो 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उस टाइम से हुआ था, उसके बाद इसको बड़ी परिवर्तन करते करते ठाकुर रामकृष्ण जी ने इनमें बड़ी सहयोग रही यात्रा गान में। ये हमारा बंगाल का बहुत पुराना कल्चर है, बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से इसके यात्रा का चल बहुत पुराना
बहुत पुराना संबंध बना हुआ है। आज हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, बहुत ही कम संख्यक बंगाली के अंदर भी हम लोग थोड़ा छोटा मोटा कलाकार मिलके हर साल ये यात्रा गान करते रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित राठ महाविश्वविद्यालय, आपको बता दें कि महाविद्यालय परिसर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर विधानसभा से पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बेटे का शादी समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता पैठाणी के राठ महाविद्यालय परिसर में पहुंचे और विवाह समारोह को लेकर परिवार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हेलीकॉप्टर से राठ महाविद्यालय पहुंचे तो वही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी विवाह समारोह में शामिल हुए। जिनके पास थोड़े भी साधन हैं तो अपने घर गांव में कम से कम शादी ब्याह करो, जो पुण्य काम है, माँ बाप को याद करना है, ये सब काम के लिए अपने गांव ये बड़ा संकोच है। और मैं उसके लिए गणेश गोदियाल जी को भी और राज की महान धरती को भी बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत ये जो है यहाँ के सामान्य राठियों की सबकी बेटी की बेटे की शादी है, तो उसी रूप में इन्होंने इसका आयोजन किया है। और यहाँ कोई बड़ा है और कोई सामान्य है, सब बराबर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राजनेताओं में विशेषकर ये प्रचलन नहीं होता है, वो ज़्यादातर देहरादून में प्रदेश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में शादियाँ करते हैं। पूजा जी का क्योंकि व्यवसाय मुंबई में है तो मुंबई में कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगा। तूने अपने जो सब परिचित हैं, अपने परिवार के लोग हैं, परिवार का मतलब पूरा थलीसैंण विधानसभा परिवार के लोगों के बीच में अपने बेटे की शादी करना और उसी माहौल में ऐसा अपनापन कि जो पंडाल भी बनाया, खाने की व्यवस्था है, कोई VIP व्यवस्था नहीं है। देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में इस साल होने वाली बाघों की गिनती के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां अब शुरू कर दी है। भारतीय वन जीव संस्थान हर 4 साल में बाघों की गिनती कराता है और इसके लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में इस साल होने वाली बाघों की गिनती के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम हर 4 साल में होने वाली बाघों की गिनती के लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रही है। पूरे भारतवर्ष में हर 4th साल में एक टाइगर की गणना की जाती है, तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी, उनके द्वारा एम स्ट्राइप्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। हर साल बाघों की गणना के लिए कैमरा ट्रैप विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण में कॉर्बेट और दूसरे चरण में पार्क के उत्तरी हिस्से कालागढ़ टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए जाएंगे। पिछली बार हुई बाघों की गणना के अनुसार उत्तराखंड में रहने वाले कुल 560 बाघों में से 260 जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं। देश भर में आज दशहरे की धूम है, वहीं उत्तराखंड के सीमावर्ती क्यारक गांव के कृष्ण लीला का आयोजन वहां पर किया गया। गांव में लगभग 30 साल से कृष्ण लीला का आयोजन हो रहा है और इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय लोगों के साथ चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सीमांत विकास खंड होने के कारण 6 महीनों तक बर्फबारी होने के कारण यहां पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना होने के बराबर है और इसलिए ग्रामीण अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर साल यहां पर कृष्ण लीला का आयोजन करते हैं। देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड के हम ऐसी जगह निवास कर रहे हैं जो गंगोत्री धाम से लगा हुआ है और माँ गंगा
हमारे यहाँ से बहती हुई जाती है और विगत कई वर्षों से हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं और सनातन धर्म के अनुसार इन लीलाओं से हमें सुख समृद्धि और जो भी कि हमारे युवा साथी हैं जो इन कार्यक्रमों में हम अपने मंचों के माध्यम से अपने गांव में सहयोग दे रही है, अपने गांव की लीला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें जो गांव में जब से हमारे विकास हुआ है कहीं ना कहीं गांव में विकास हुआ है और गांव में सुख समृद्धि बनी है, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ विकास कार्यों में तेजी आने लगी है और इसी क्रम में अल्मोड़ा में रैन बसेरा का जो भूमि पूजन है सांसद अजय टमटा, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया। रैन बसेरा 94,20,000 रुपए की लागत से बनाया जाएगा। सांसद अजय टमटा ने कहा कि रैन बसेरा में क्राफ्ट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा जहां पत्थर, क्राफ्ट और ताम्र शिलाओं के सामानों को रखा जाएगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने रैन बसेरों के बजट स्वीकार करने के लिए धामी सरकार का आभार जताया। पूरे समाज की मांग थी, संपूर्ण अल्मोड़ा नगरवासी चाहते थे कि ये दोबारा से स्थापित हो, इसके लिए बजट की प्रॉब्लम थी तो माननीय पुष्कर धामी जी के करकमलों के द्वारा हमें दो प्रकार का बजट दिया जो 94,20,000 के रुपए में है और दूसरा 57,85,000 रुपया। तो ये हमारे को एक अच्छी खासी धनराशि मिली है और इस धनराशि के माध्यम से मेरी जो सोच है और हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष जी की भी सोच है, हमारे विधायक जी की भी, कि इसमें हम क्राफ्ट म्यूजियम भी स्थापित करें। और मुझे आज बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि आज हमारा ये सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर राहगीरों के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए, यहाँ के बच्चे जो तमाम विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अल्मोड़ा आते हैं उन सब के लिए आवास की व्यवस्था कहीं नहीं हो पा रही थी और इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बस स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, इसकी उपयुक्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।